मध्य प्रदेश में कानून का राज्य है। भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह या अभिमान से सार्वजनिक मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं, मुख्यमंत्री पिछले दिनों अपने रीवा प्रवास के दौरान माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलवाने की भी खुली छूट दे डाली है और स्थानीय विधायकों ने इसका सियासी लाभ उठाना भी शुरू कर दिया। अब बुलडोजर भाजपा विधायकों के विरोधियों और उनके समर्थकों के मकानों और दुकानों पर चलाया जाने लगा है। परोक्ष रूप से लगने लगा है कि माफिया सिर्फ भाजपा में ही रहेगा और माफिया भी भाजपा की शरण लेने लगे हैं। शराब कारोबार में अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा लगाने वाले सिमरिया के बाहुबली विधायक के पितृपाठी शराब के कारोबार में होने वाले नुकसान को लेकर आंदोलित हो गए और प्रतिस्पर्धी शराब कारोबारी का सिर फोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल शराब ठेकेदार के मैनेजर को उसके लोगों ने संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। विधायक जी की गुंडाई इतने तक ही सीमित नहीं है। माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग रोक कर घंटों आम जनजीवन बदहाल कर दिए। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सेवाएं भी बाधित रही। प्रशासन नपुंसक बना हाथ बांधे विधायक जी के सामने खड़ा रहा। विधायक जी के कारोबारी नुकसान की भरपाई जनता को ही करनी पड़ेगी, ये साफ संदेश विधायक त्रिपाठी ने हम जनता को दे दिया है। उनकी नाफरमानी करने वालों का सिर फोड़ दिया जाएगा, गंभीर मारपीट की जाएगी और प्रशासन मौन देखता रहेगा, ये भी मैसेज आम जनता तक पहुंच चुका है। ये तस्वीर देखकर निश्चित ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत गुस्सा आएगा और मानसिक तकलीफ भी होगी। शायद इस गलती के लिए वो यहाँ के स्थानीय विधायकों को माफ भी ना कर पाए। जिस तरह से भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अपमान शराब के कारोबारियों के द्वारा रीवा के बिछिया मोहल्ले के SAF चौराहा में नवीन स्वीकृत दुकान दीनदयाल रसोई के ठीक नीचे प्रस्तावित शराब की दुकान के बारे में, जहां भाजपा से ताल्लुक रखने वाले शराब ठेकेदार ने भाजपा के पितृ पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पोस्टर के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर अपने जूते तले रौंदने में कोई गुरेज नहीं किया। आम जनता का कहना है कि शराब की दुकान का ठेका भाजपा के बड़े व्यवसायी के पास है, लिहाजा ये होना स्वाभाविक है। वही इस कृत्य से आम जनमानस में काफी आक्रोश है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलने का दम भरने वाली पार्टी अपने पितृ पुरुष के नाम से संचालित गरीब भोजनालय को मैखाने में तब्दील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। यहाँ तक कि व्यापारी हितों के साधने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रदेश के मुखिया को अपमानित करने का काम भी इनके द्वारा किया जा रहा है। इस पर भाजपा का कोई भी सांसद या विधायक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है। क्षेत्र के स्थानीय व्यापारी और आम जनता शराब की दुकान खोलने को लेकर आंदोलित हैं और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के व्यापारी विधायकों ने जनता की मांग को नजरअंदाज कर दिया है और अपने व्यापारी हितों को साधने के लिए खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप इस वार्ड के पार्षद हैं और यहाँ पर शराब की दुकान खोली जा रही है, तो किस तरह का विरोध करेंगे यहाँ पर आप? यहाँ हम लोग सब शांति ढंग से विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे तो उनको कम से कम पहले तो चयन करना चाहिए कार्य से दुकान के लिए। सामने ही मुश्किल से 50 मीटर की दूर में कन्या पाठशाला है, जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ आए दिन पढ़ने आती हैं। अभी आपने देखा है 3 दिन पहले एक घटना हो गई है रेप केस, जिसमें एक पंडित जी का भी नाम आया है। यही सब चीज़ें जब यहाँ पे ये सब खुलेगा तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित रहेंगे और कहाँ पब्लिक सुरक्षित रहेगा आम नागरिक? ठीक, कन्या पाठशाला स्कूल है बगल में, बस सामने ही 10 कदम की दूर पे है दुकान। अगर ये कहना चाहते हैं कि हमारे सामने कॉलोनी है, सब कॉलोनी है, पीछे भी हमारी कॉलोनी है, हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं, हम लोग यहाँ पे सामान की बिक्री, हम लोग की दुकान हम लोग इसी मत्थे चलती है। 1 किलोमीटर हम लोग का पूरा दार है यहाँ पे कॉलोनी में, सब बहन 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 भाई सब आते हैं यहाँ पे। हम लोग इससे व्यापार डाउन हो जाएगा, माहौल गंदा हो जाएगा, हम लोग का माहौल। आज यहाँ पर सभी व्यापारी ने दुकान बंद कर रखा है, कब तक दुकानें बंद कर रखेंगे? ये सार्वजनिक क्षेत्र है, आसपास यहाँ स्कूलें हैं, रानी तालाब मंदिर परिसर है और यहाँ पे खुलने में वातावरण बहुत
दूषित हो जाएगा, इसके लिए मोहल्ले वाले इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरह का विरोध किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ शांति ढंग से विरोध होगा, शराब की दुकान न खुलने के लिए प्रयास किया जाएगा कि कहीं दूर स्थान पर इसको खोला जाए, ये सार्वजनिक स्थल को प्रदूषित न किया जाए। देखिए माता मातृशक्ति को सुबह बड़े काम होते हैं, अब वो थोड़ी देर बाद आधा घंटे बाद अभी थी तो चली गई है खाना पीना के लिए, तो उनके बाल बच्चों को खाना पीना की व्यवस्था उनको करके आना है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको, भी टेंट भी लगेगा है ना, अब उनकी व्यवस्था कर रहे हैं, छाया की व्यवस्था कर रहे हैं, सभी यहाँ पे मातृशक्ति पूरी आएंगी। पूरा मोहल्ला जो है इसके विरोध में है, महिला पुरुष बच्चे सब विरोध में है। ये सार्वजनिक क्षेत्र है, आसपास यहाँ स्कूलें हैं, रानी तालाब मंदिर परिसर है, और यहाँ पे खुलने में वातावरण बहुत दूषित हो जाएगा, इसके लिए मोहल्ले वाले इसका विरोध कर रहे हैं। किस तरह का विरोध किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ शांति ढंग से विरोध होगा, शराब की दुकान न खुलने के लिए प्रयास किया जाएगा कि कहीं दूर स्थान पर इसको खोला जाए, ये सार्वजनिक स्थल को प्रदूषित न किया जाए। सरकार को इससे काफ़ी राजस्व मिलता है और शराब की दुकान सरकार ही खुलवाती है, इसके लिए आप क्या कर पाएंगे? राजस्व के लिए उनके कोई रोक नहीं है, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक स्थल 10 कदम में कन्या पाठशाला, बगल में मंदिर परिसर, 3-4 शिक्षण संस्थाएं, कम से कम स्थान का चयन करके शराब की दुकान खोली जाए। यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारियों से आप लोगों ने चर्चा की है? हम लोगों ने मंत्री जी को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि ये सार्वजनिक स्थल है, यहाँ पर दुकान न खोली जाए। क्या मिला आश्वासन में उनको? उन्होंने कहा इसका हम देखते हैं, इसका क्या नाम है? राजकुमार पांडे।